हेलो एवरीवन, दिस आई नगमान, यू आर वॉचिंग TGCC लीगल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ड्यू LLB की जो स्टूडेंट हैं वो फिफ्थ सेम में कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। और सबसे मेन क्वेश्चन जो सबका ही आ रहा था कि किसकी दुक्की मार्केट में अवेलेबल है और किसकी नहीं है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ केसमेट के साथ डिस्कस करूँगी चीज़ों को कि आपको कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप वो चूज़ करें, और दुक्की किसकी मिल जाएगी, कौन सा ईजी है कौन सा टफ़ है, मैं ये भी बात करूँगी। और इससे पहले मैं थर्ड सेम के ऑप्शनल सब्जेक्ट की वीडियो बना चुकी हूँ, अगर जिसको ज़रूरत है वो जाके देख सकते हैं। एंड अब मैं फिफ्थ सेम के रिगार्डिंग बात करूँगी। फिफ्थ सेम में आपको पता होना चाहिए कि आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मैंडेटरी सब्जेक्ट ये तीन हैं, मूड कोट, एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मूड कोट क्या होता है और इंटर्नशिप क्या है। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ जो लेबर लॉ से ही आगे कनेक्ट कर रहा है, और ये ड्राफ्टिंग प्लीडिंग जो है फोर्थ सेम के अंदर ड्राफ्टिंग पड़ी हुई है, पर वो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग थी। ये देखो, ये रहा लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग था, जो अलग ही सब्जेक्ट है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। और फिर है इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ आगे ही लेबर लॉ से कनेक्टेड है। ओके, अब हम बात करेंगे जो जिस वजह से ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ये सेवन सब्जेक्ट हैं जो हमें ऑप्शनल में दे रखे हैं, उसमें से हमें सिर्फ दो सब्जेक्ट ऑप्शनली चूज़ करने हैं, तो एक एक करके मैं बात करूँगी। बट पहले पता देख लें कि है कौन कौन से सब्जेक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्यूरिसप्रूडेंस, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल ट्रेड, रेंट कंट्रोल, बिजनेस रेगुलेशन एंड IPR 2। IPR 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक एक करके सारे ही केसमेट, इन सातों में से अब हम एक एक करके सारे ही केसमेट को डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो आप चूज़ करना, और दुक्की भी मैं साथ साथ बता दूंगी कि किसकी मार्केट में अवेलेबल है और किसकी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ की इसका थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक 2000 IT एक जो जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये हमने थोड़ा एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। उसके बाद साइबर टॉट, टॉट हम पढ़ चुके हैं, तो ये साइबर टॉट इसमें ऐड हुआ है, ये इस नया है। एंड इसके बाद साइबर क्राइम, साइबर क्राइम हम क्राइम थोड़ा पढ़ चुके हैं, बट इसमें साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन जो भी क्राइम होता है, लाइक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, टेररिज्म जो ऑनलाइन होते हैं, और डिफॉर्मेशन जो हम मतलब आप लोग मैसेज भी किसी को डिफॉर्मेटरी करते हो, तो ये सब हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा साइबर क्राइम में। उसके बाद इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटीज़ क्या क्या आती हैं जो साइबर कैफ़े वाले के ऊपर आनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स से डील कर रहा है, यानी कि ई कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट में पहले भी पढ़ रखा है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, बट यही व्हाट्सएप के केस में क्या होता है, ईमेल के केस में क्या होता है, वेब कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट सारी बात करेगा, जो हमने इतना डीप उस टाइम नहीं पढ़ा था, यहाँ पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम, आपने IPR में ये चीज़ें पढ़ी थी, अब ये साइबर से रिलेटेड है। उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे ओवरऑल लग रहा है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब आपको पता होगा कि केस किस एरिया में लड़ा जाए, CPC में हम लोगों ने ये चीज़ें डील की थी, अब इसी की ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर साइबर स्पेस में है तो क्या ज्यूरिसडिक्शन रहेगी, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसकी दुक्की मार्केट में अवेलेबल है, सिंगल की भी और जॉइन की भी, तो आप अगर ये चूज़ कर रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। और रेफरेंस बुक की वीडियो मैं बाद में बना दूंगी, अगर आपको रेफरेंस बुक भी पूछनी है, अगर आपको ज़्यादा डीपली इसको पढ़ना है, तो फिलहाल अभी इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। अगर आप आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये ले सकते हैं। और देखने से ये ज़्यादा वाइडर लग भी नहीं रहा, 18 केसेस है, बाकी रेफरेंस केसेस भी काफ़ी है इसमें, तो ये बाकी सबके कंपेयर में इतना वाइडर नहीं है। सेकेंड केस में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनोलॉजी का, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्रिमिनोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल है ये ज़्यादातर, थ्योरेटिकल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्या पर्सपेक्टिव है, थ्योरेटिकल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। सेकंड, जिन लोगों ने WCC लिया था तो वो इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, टेररिज्म एंड WCC मतलब इसका क्या है, पॉजिटिविज्म, रेडिकेटिज्म, मतलब ये थियोरेटिकल पार्ट है पूरा, किस राइटर ने क्या थ्योरी दी है वो यहाँ पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद इंडियन क्राइम रियलिटी जैसे कि जो दिखता है वो होता नहीं है, तो यहाँ पढ़ने को वही चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके बाद जुवेनाइल डेलिंग्वेंसी, उसके बाद पनिशमेंट एंड जस्टिफिकेशन,
इसके आगे है। और जी विक्टिमोलॉजी वो चीज़ होती है जो, जैसे अगर कोई क्राइम हुआ है तो इसके पीछे, जैसे कोई रेप हुआ है तो उसके पीछे जो माइंड पे, लड़की पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी। मतलब उसी चीज़ से ये डील करने वाला है पूरा, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और उसको करना चाहिए, बहुत बड़ा क्राइम है। आगे है इंडियन पुलिस सिस्टम, इंडियन प्रिजनर्स प्रिजन सिस्टम। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगी। टोटल 34 केसेस हैं, ज़्यादा बड़ा केसेस के अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा, बट हाँ कंटेंट वाइज लग रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डेप्थ में होंगी। सबसे बड़ा जो केस मैटर है मेरे अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा क्रिमिनोलॉजी का ही सबसे मोटा है। बाकी जिसका मन है, इंटरेस्ट आ रहा है इन टॉपिक को देख के, तो उनको ये लेना चाहिए। और केस इनकी दुक्की, जैन और सिंगल दोनों की दुक्की इसकी मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड हम केस मैट की बात करेंगे, IPR 2। IPR 2, IPR 1 हम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, फिफ्थ सेमेस्टर है। कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट के इसमें 5 सब टॉपिक बना दिए। फर्स्ट टॉपिक जो है वो कॉपीराइट का है, फुल कॉपीराइट से डील करने वाला है। राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क, ऑथरशिप, ऑनरशिप, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एंड एक्सेप्शन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। इसके बाद राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट। अगला पेटेंट लॉ, पेटेंट लॉ से डील कर रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ पेटेंट लॉ, पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया इन इंडिया, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन। उसके बाद लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट्स, राइट ऑफ पेटेंटी एंड पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। और ये लास्ट के ही 3 टॉपिक है, फॉर्मर्स राइट 2001। ये टॉपिक थर्ड है, सॉरी, इसमें भी 5 टॉपिक है पेटेंट के, फिर एक थर्ड टॉपिक शुरू हो रहा है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स, ये 3-4 टॉपिक हैं जो नए लग रहे हैं। तो जिन लोगों को इस पे जाना है वो जा सकते हैं, जिनको IPR इंटरेस्टिंग लगा था उन लोग को ये ले लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटा एक तो किसी का भी नहीं है, पर इसमें केसेस काफ़ी हैं, केसेस काफ़ी है इसमें। तो जिनको IPR में इंटरेस्ट था वो लीजिए। और IPR की दुक्की जैन और सिंगल दोनों की ही मार्केट में अवेलेबल है। फोर्थ केस मैट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेंट कंट्रोल एंड स्लम क्लियरेंस। मुझे किसी ने बोला कि ये सबसे थिनेस्ट है, मतलब सबसे कम सिलेबस आपको इसमें मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, दिल्ली दिल्ली एक्ट से रिलेटेड डील करेगा, तो टोटल 5 बेयर एक्ट से डील करना है। इंडियन एस्टीमेट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हम जो पढ़ चुके हैं, दिल्ली रेंट कंट्रोल, स्लम एरिया इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1956, और आगे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। अभी नया आ चुका है 1995, जो है वो लेटेस्ट है, पर पढ़ेंगे दोनों को साथ में ही। तो सबसे कम सिलेबस इसी का ही है। इसके पार्ट 1 में जनरली इसको डिस्क्राइब कर रखा है, लाइसेंस, लाइसेंसी आपने प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। उसके बाद रेंट कंट्रोल एक्ट 1958, जो पुराना वाला था उसको बता रखा है। उसके बाद दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958, ये भी पुराना वाला ही है। पार्ट 3 में आ गया ग्राउंड ऑफ एविक्शन, किस बिहाफ पे हम एविक्शन करा सकते हैं, निखारी करा सकते हैं, पेमेंट रेंट। उसके बाद इसके केसेस काफ़ी हैं और मेरे हिसाब से ये सारे इंटरेस्टिंग ही हो गए, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। कवरिंग ऑफ पोजेशन इन अ केस ऑफ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, जो पीरियड डिसाइड होता है। रेमेडी अगेंस्ट कट ऑफ एंड विद होल्डिंग असेंशियल सप्लाई और सर्विसेज, सेक्शन 52। आगे स्लम एरिया का एक डिस्कस कर दिया, दैट्स इट। ज़्यादा तो ऊपर ज़्यादा लिखे थे, इतने हैं नहीं इसमें। और यहाँ पे इस बार केस मैट में ना सारे प्रॉब्लम्स वगैरह दे रखे हैं, क्वेश्चन पेपर पहले ही है, पुराने का क्वेश्चन पेपर भी इस बार है, तो अच्छा ही है। तो ये था रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट की दुक्की भी मार्केट में अवेलेबल है, सिंगल और जैन दोनों की। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा जूरिस प्रूडेंस। जूरिस प्रूडेंस आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो लोगों को तब इंटरेस्ट आया था तो उन लोगों को ऑप्शन नहीं देखना चाहिए। जूरिस प्रूडेंस एक अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, अगर आपको जूरिस प्रूडेंस पता है तो देन वो 4 चांद लगा देता है उस चीज़ पर। तो आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट एंड राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, जूरिस प्रूडेंट एनालाइजिंग, ठीक है। बैंथम, ये सारे बैंथम की, मार्क्स की, ये सब थ्योरी दे रखी हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड राइट ऑफ ड्यूटी ऑफ फिलोसफिकल एनालाइजिस, ह्यूमन राइट्स, लाइबिलिटी, पर्सनालिटी, जो अनबॉर्न चाइल्ड, ये हमने सेक्शन 13 प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा था। उनकी जूरिस प्रूडेंस बताता है, जूरिस प्रूडेंस क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न कि क्यों ये चीज़ हम लाए। तो हम जब कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसके हिस्ट्री जानने की कोशिश करते ही हैं, तो ये वही चीज़ है।
प्रॉपर्टी का ओनरशिप, पोजेशन एंड ऑनरशिप, इसकी जुरिसप्रूडेंस क्या है। तो ठीक है, अच्छा है ये भी, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो जुरिसप्रूडेंस में इंटरेस्ट था तो वो पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बहुत बता दूं कि क्रिमिनोलॉजी और जुरिसप्रूडेंस ये दोनों ही बहुत ज़्यादा थियोटिकल सब्जेक्ट है, बाकी सारे तो हैं ही थियोटिकल, बट ये ज़रूरत से ज़्यादा है, ये पूरा डेप्थ में बात करेंगे। तो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इंटरेस्ट था तो आपको ये ले लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे बिजनेस रेगुलेशन की। बिजनेस रेगुलेशन बुक्स प्रिस्क्राइब कर रखी है आगे, ये आप मेरे हिसाब से बिजनेस रेगुलेशन उन लोगों को लेना चाहिए जो सीए फील्ड में है या कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको ये चूज़ करना चाहिए। राइट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, आर्टिकल 19(1)(g) एंड आर्टिकल 301, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट 19(6), पावर टू कैरी ऑन ट्रेड बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सरफासी, उसके बाद सेबी की गाइडलाइंस होंगी कुछ। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002, इसमें काफ़ी सारे मेरे को दिख रहा है कि इसमें के वो बेयर एक्ट ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, रियल एस्टेट, टेलीकॉम रिकॉग्नाइजेशन, हमने ये चीज़ें पढ़ रखी है, पर तो कुछ सेक्शन उसके अंदर के पढ़े हैं, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है, तो यहाँ आपको वो पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कॉर्पोरेट साइड में जाना चाहते हैं या सीए स्टूडेंट हैं तो आपको ये चूज़ कर लेना चाहिए, ये एक गुड ऑप्शन है। और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको रेंट कंट्रोल का बताया उसी तरीके से ये भी है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है और इसकी भी दुक्की मार्केट में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, मुझे इंटरनेशनल में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो ये देखते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ गेट एंड WTO, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर अंडर GATT एंड WTO, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गेट एंड WTO, एंड इसके केसेस, सब्सिडीज एंड कंट्रावेलिंग मेजर्स, डंपिंग एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिर पार्ट टू में बुक प्रिस्क्राइब कर दी, और एक्सपोर्ट ट्रेड ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जिन लोगों को पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कैरेज ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट ट्रेड, मतलब जिन लोगों को इंटरेस्ट था ओवरऑल इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में, तो उनको ये ले लेना चाहिए। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ा हुआ है तो जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट था तो आगे पढ़ना चाहिए। और तो इसकी दुखी भी मार्केट में अवेलेबल है, जैन की, सिंगल की मैंने भी मुझे नहीं पता लगा है, पर जैन की तो अवेलेबल है, तो अगर आपको ये चूज़ करना है और दुखी से एंड करना है तो आप कर सकते हैं। आई होप आप लोग अब तक डिसाइड कर चुके होंगे कि इन सात में से आपको कौन से दो सब्जेक्ट ऑप्शनली चूज़ करने हैं, क्योंकि तीन तो मैंडेटरी है ही, तो इनमें से आपको सातों में से कोई दो सब्जेक्ट ऑप्शनली चूज़ करने हैं। मैंने आपके साथ केस मैट ब्रीफली डिस्कस कर दिया है, अब आपको आपका इंटरेस्ट पता चल गया होगा कि आपका किस में है, आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें और उसको आगे कंटिन्यू रखें। देन एक चीज़ और, अपने आप को रोको मत, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करो। थैंक यू सो मच।